नमस्कार भाई लोग, संजय यादव की तरफ से आप लोगों को नमस्कार है। रोज ही आप कुछ बोलिए पिताजी के। नमस्कार दोस्तों, और संजय यादव हमारे साथ में है, और पिताजी के ऊपर हम तो यही बोलेंगे कि ये संसार में सबसे बड़ा भगवान जो है तो हमारे पिताजी ही हैं, क्योंकि वो चलने का रास्ता दिखाते हैं, और चलने का रास्ता और हर चीज़ हमारे जीवन में सबसे बड़ा उनका योगदान है, इसलिए भगवान के रूप में ही उनको हम पूछते हैं। और यादव जी, हम यही बोलेंगे कि पिताजी के ऊपर थोड़ा आप भी बताइए। देखिए प्रभु जी, हमें तो मतलब पूरे देशवासी को बोलना है कि पिताजी का मान सम्मान मतलब हर व्यक्ति हर बच्चे को करना चाहिए, ताकि आप हाँ, देखो पिता जो होते हैं प्रभु जी, हाँ, एक भगवान के रूप होते हैं। सही, है? सही, भगवान सही। अगर आप मतलब पिताजी का मान सम्मान कर रहे हो, समझ लो आपके ऊपर भगवान भी खुश रहे हैं, मतलब आपकी हर मनोकामना, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। सही सही, क्या बोलते हो आप? सही है, वही चीज मतलब पिताजी का मान सम्मान होना बहुत जरूरी है, मतलब उनका मान सम्मान करना चाहिए हर बच्चों को। मतलब मेरी तरफ से विनती है, बदुआ नहीं ले, हाँ बदुआ ना ले, मतलब पिताजी को मतलब हमेशा आदरणीय रखें, मतलब उन्हीं से मतलब हर चीज है। अरे उन्हीं की वजह से हम कमा रहे हैं, उनके आशीर्वाद से हम बंगला ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, वही चीज ना, प्लेन में चल रहे हैं, उनकी कृपा से ही, उनकी कृपा। वो नहीं हमको पढ़ाए लिखाए होते तो हमको मालूम नहीं पड़ता, हमको क्या पता चलता है, उनकी कृपा बहुत है, इसलिए हम सूखी रोटी भी खाएंगे लेकिन हमारे माँ बाप का आशीर्वाद रहता है तो हम बहुत आगे निकलते हैं। अरे और प्रभु आगे जी निकले हुए हैं, हाँ, हमारे वो जन्मदाता है प्रभु जी, क्या बोलते हैं आप, वो हमारे जन्मदाता है। अगर वो हमको चार बात या दस बात या पचास बात बोलते भी है, हम उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। सही बात, समझ लो हमारे पिताजी हमको आशीर्वाद दिए, क्या बोलते हैं। बनने बिगड़ने के लिए तो वही बोलेंगे ना, बनने बिगड़ने के लिए कोई भी माँ बाप होता है, वही बच्चे को मारता भी है, गाली भी देता है, बुलाता भी, इसीलिए करता है कि हमारा बच्चा बहुत आगे निकले, और उनकी कभी जो है ना बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं। हम तो यही बोलेंगे दोस्तों, और आप लोगों की एक ही बात हम बोला कि आप लोग माई बाप का कभी बद्दुआ मत लिया, उनके प्यार से उनके समझा के, क्योंकि माई बाप जब होला बुढ़ा हो जाइए तो उनके खुद बच्चे के रूप में हो जाइए, बच्चे जैसे बात करिए, बच्चे जैसे गाली दिए, बच्चे जैसे सब कुछ करिए, इसलिए उनके पास में उतनी क्षमता ना रहला, लेकिन प्यार तो उनके में अटूट रहला। वो सोचे ना कि हमारा बच्चा ये प्लेन से ही डेली घूमे, प्लेन से ही सब कुछ करे, लेकिन क्या करेगा, जो जैसा करता है वैसा उसको वो भगवान देता है फल, उसके कर्मों का उसको फल मिलता है, उस हिसाब से वो चलता है। लेकिन माँ बाप जो है ना कभी अपने बच्चों को नीचे गिरते नहीं देखता है, वो ऊपर ही, इसीलिए जब आप कोई गलती करते हैं तो उसको समझ में आता है कि हमारा बच्चा उल्टा चल रहा है, इसीलिए आप पे गुस्सा होते हैं और गाली देते हैं। आपको उस बात को समझना चाहिए कि जो हमारे माँ बाप जो बोलते हैं आगे हमको बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए जो भी यदि गलती करते हों और कुछ भी उनसे गलती हो जाती हो तो एक बार आप शांति मन से बैठ के अपने माँ बाप बारे में सोचिए कि हमारे माँ बाप ही ऐसे हैं कि जो आगे हमको बढ़ के आगे आगे चल के हमको सिखाए, हमको बताए कि किस तरीके से चलना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा है वो हमको दिखाए, और उसमें सब जो है जो भी हमको सोचना समझना कहाँ जाना है हमको खुद अपने को तय करना पड़ता है। इसलिए हम तो यही बोलेंगे दोस्तों, कभी माँ बाप का बद्दुआ नहीं लेना, नहीं आपको उनकी बात नहीं समझ में आती है, नहीं बर्दाश्त होता है तो उनके पास से आप चले जाओ। और इसी पे हम तो बोलते हैं दोस्तों, अब संजय भाई थोड़ा सा बोलेंगे। हाँ देखिए प्रभु जी, क्या है कि जिसके ऊपर जिसके माँ बाप रुष्ट है समझ लीजिए, उनसे समझ लो कि भगवान रुष्ट है। सही है, आए? सही, सही। देखो उनके ही आशीर्वाद से अपने चाहे दो पैसा कमाते हैं, चाहे दो रुपया कमाते हैं या दस रुपया कमाते हैं, सब उनका ही आशीर्वाद है। सही है, मतलब वो एक भगवान के रूप है ही है। जिन मतलब मैं हर सभी भाई लोगों बच्चों से यही विनती करता हूँ कि मतलब आप अपने माता पिता को हमेशा खुश रखो, ताकि मतलब उनकी बद्दुआ ना मिले, और माँ बाप को खुश रखोगे समझो आपसे मतलब भगवान खुश है, हमारा कहना में है। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। और हमारा तो कहने का मतलब ये है कि आपको वीडियो यदि हमारा अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा
कि भाई लोग हमारा भी थोड़ा बहुत मान सम्मान रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगा कि हमारी वीडियो पूरा आप देखिए और कहीं पे वीडियो में मान लीजिए गलती भी हो तो उसको क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि कितना लोग हमारे आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लगी है, तो हम जितना हो सकेगा उतना सुंदर से सुंदर आपको पिता के बारे में माँ के बारे में कुछ हम आपको सीख देंगे बताएंगे। और क्योंकि हम सीख देने भर नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना हम आपको संदेश जरूर देंगे। नमस्कार। नमस्कार।